हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते ऐसे हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का दिया हुआ है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। चैनल में अगर नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। शॉर्टकट सिखाऊंगा तो ध्यान देकर सुनिए, एक बार अच्छा से समझ लीजिए, बार बार सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 and later he buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. So find the cost of each bat and ball. इसका मतलब है 7 bats और 6 ball मिला के 3800 देके खरीदा था पहला कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन में किया था 3 bats और 5 balls मिला के टोटल प्राइस कितना था 1750। इसमें से दो इक्वेशन फॉर्म करना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करके फाइंड आउट करना है एक बॉल का प्राइस कितना था, एक बैट का प्राइस कितना था। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट समझ लीजिए रुपीस एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीस वाई। एज पर क्वेश्चन अभी दो इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से पढ़ना है। 7 बैट्स मतलब एक बैट का प्राइस कितना है, एक्स रुपीस है, तो 7 का कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई एक्स। एक पेन का दाम अगर 5 रुपीस होता है, 7 का कितना है, 5 × 7 होता है। उसी तरह पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है 7x + 6y = 3800। ये समझ लीजिए इक्वेशन वन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, 3 bats and 5 balls मतलब 3x + 5y = 1750। ये कंडीशन दो हो गया, लेकिन आपको इक्वेशन ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या होता है, कंफ्यूज ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, यही दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से क्या करना है, एक्स या वाई का वैल्यू पहले निकल के रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में से एक्स या वाई कोई भी एक निकल दिया, जैसे कि एक्स निकल दिया हमें, तो इसमें से एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1750 - 5y / 3। ये 5y राइट साइड में जाएगा, माइनस होगा 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 बना के लिखिए, मतलब दो इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसी में से x या y पहले निकाल के रखिए, तो अभी क्या होगा, दो इक्वेशन से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है, अभी अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 इंप्लाइज देके डायरेक्ट लिख सकता है। इक्वेशन 1 में क्या है, 7, ये 7 के साथ x है ना, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये क्या है, 1750 - 5y / 3 + 6y = 3800। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 0 = 0, 7 × 5 = 35, 3 कैरी हो गया, 7 × 7 = 49 + 3 = 52, 52 का 2 7 × 1 = 7 और +5 = 12 और माइनस ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35y = ये जो 3 है इसके नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, ये 3 आप हटा दीजिए, ये दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मेथड, ठीक है, इक्विवेलेंट रहेगा। तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18y हो गया, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। इसमें से आप y निकाल दीजिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आंसर आएगा माइनस में, 35 से 18 माइनस कर दीजिए तो 17y प्लस माइनस माइनस होता है 11400 - 12250, ये हो गया। इसमें आएगा माइनस 17y = ये बड़ा हो गया तो इसका साइन आएगा माइनस, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 850 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस कर दीजिए तो y = होगा 850 / 17, तो 17 से डिवाइड करेगा तो कितना टाइम जाएगा, 5 और 0 = 50, y का वैल्यू 50 मतलब एक बॉल का प्राइस निकल गया, एक कप निकल गया। अभी क्या करना है, नाउ इक्वेशन 2 से क्या आएगा, इक्वेशन 2 ये है, तो x = क्या है, 1750 - 5y / 3 है, तो इसी में आप ये y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू पुट कर देने से कितना आएगा, ये नीचे आएगा 3 1750 - 5 और y का वैल्यू कितना है, 50 है, ठीक है, 50 है।
आप ऐसे लिख सकता है प्रोटीन वाई इक्वल टू 50। ये 50 कहां से आया ये साइड में लिख सकता है, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1750 और इसमें क्या आएगा 250 आएगा, 50 मल्टीप्लाई 50 ऑलरेडी करिए 1750 है, इसमें आएगा 250 तो 250 माइनस करने से 1500 आ जाएगा, तो इसको आप 1500 लिख दीजिए, तो इसमें आएगा 500। तो ये एक्स का वैल्यू भी निकल गया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज 50। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह करना है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, इतना करने से हो जाएगा, 2 या 3 मार्क्स रहेगा। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए, इसमें दिया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी का जो फेयर है वो एक फिक्स चार्ज है और उसके साथ पर किलोमीटर भी एक चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फेयर हुआ कितना 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155 रुपीज। 15 किलोमीटर ट्रेवल किया उसके बदले में उसको फेयर कितना हुआ 155 रुपीज। तो फेयर किस तरह से लेता है, फिक्स चार्ज के साथ चार्ज पर किलोमीटर मिला के टोटल चार्ज होता है, समझ में आ गया। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो इसमें निकलना क्या है, फिक्स चार्ज किया है और चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का हिसाब से कितना चार्ज ले रहा है। तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। लास्ट में आपको क्या निकलना है, अगर 25 किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तो कितना फेयर होगा। तो पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को करना है फिक्स चार्ज एज्यूम करना है और चार्ज पर किलोमीटर एज्यूम करना है। तो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स ले लिया और चार्ज पर किलोमीटर वाई ले लीजिए। अभी क्या करना है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है 105 रुपीज। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज किया था एक्स था, वो तो हमेशा रहेगा और उसके साथ 1 किलोमीटर में कितना चार्ज है वाई है, तो 10 किलोमीटर में 10 वाई है कितना है 105 रुपीज। इसमें से आप एक्स इक्वल टू निकाल के रखिए, एक्स इक्वल टू कितना होगा 105 माइनस 10 वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 बना, सिंगल एक्स है तो इसमें से एक्स निकाल के रखिए। अगेन फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो मतलब इसमें क्या होगा, फिक्स चार्ज एक्स है और 15 किलोमीटर जर्नी का चार्ज कितना होगा 15 वाई है, इसका फेयर कितना होगा 155। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ये पहला इक्वेशन में से एक्स का वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए। तो एक्स के बदले में क्या लिखना है 105 माइनस 10 वाई, तो ये होगा 105 माइनस 10 वाई, उसके बाद प्लस 15 वाई, प्लस 15 वाई इक्वल टू 15 वाई। इसमें से आप वाई निकाल लीजिए, 5 वाई इक्वल टू 15 में से 10 माइनस हो जाएगा 5 वाई होगा, ये 105 को राइट साइड में ले जाइए तो इसमें होगा 155 माइनस 105, समझ में आ गया। y इक्वल टू कितना होगा, इसमें माइनस करके कितना आएगा 50 आएगा और ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये y का वैल्यू हो गया आपका 10। इसका मतलब है चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज। अभी क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है, तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से फिक्स चार्ज आप निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 ये है, इसमें आप y का वैल्यू पुट कर देने से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 y है, 105 माइनस y का वैल्यू 10 है, तो ये 10 पुट कर दीजिए, तो 105 माइनस 100 मतलब 5 रुपीस। फिक्स चार्ज भी निकल गया, फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीस, therefore फिक्स चार्ज रुपीस 5 और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीस 10। ये आपका आंसर हो गया। आंसर सही है कि गलत हुआ आप खुद चेक कर सकता है, कैसे चेक करेंगे, जैसे कि एक्स का कितना फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपया, ये 5 रुपीज है, ये 10, वाई का वैल्यू कितना निकला 10, तो 10 इंटू 10 कितना 100 और 5 105, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, इसी से आपको पता चल जाएगा मेरा सम करेक्ट है या रंग है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा जरूर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।